हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताती हूँ, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, वीरे, फोटोशॉप, स्केचअप। ओके, ये चैनल पे मैं अब कैनवा के भी वीडियोस ऐड करूँगी, कैनवा के भी ट्यूटोरियल्स ऐड करूँगी। तो ओके, कैनवा में आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक अच्छा सा रिज्यूम कैसे बनाना है, और बहुत ही ईजिली। हमें कुछ भी लाइक फोटोशॉप की तरह पिक्चर्स वगैरह लगानी हो या PDF, पावर पॉइंट, जिसमें भी यूज़ करते हो, बहुत लोग हर जगह सिर्फ रेज्यूम बना सकते हैं। बहुत लोग तो ग्रिड आर्ट पे भी बना लेते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले कैसे बनाना है, इजी बनाना है, फ्री बनाना है। इसमें जो कुछ टेम्पलेट्स हैं, जो प्रो है, मेरा प्रो वर्जन है, बट मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करूँगी जो कि फ्री हैं। तो क्रिएट डिज़ाइन में जाओ। अब यहाँ पे रिज्यूम का एक अलग से ही दिया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है, रिज्यूम पे क्लिक कर दो। अभी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे रिज्यूम्स आ जाएंगे। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है वो थोड़ा सा बड़े रिज्यूम ले, जिनका कम है, जो फ्रेशर्स हैं, वो वैसा ले। जैसे ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, और भी मतलब कैसे भी ले सकते हो। और रिज्यूम किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो या फैशन डिज़ाइनर हो, कुछ भी चलेगा। देखो ऐसे कवर लेटर्स वगैरह भी हैं, एप्लीकेशन लेटर है, प्रोफेशनल करके भी है, सिंपल रिज्यूम भी है। तो इसमें जैसा भी चाहिए ले सकते हो। अभी फ़िलहाल सपोज मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। अभी सपोज मैं इसमें अपना नाम चेंज कर दूँ, नहीं किया, बस अपना जो नेम था उसका अपना चेंज कर दिया। अगर सपोज मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए करना है, या फैशन डिज़ाइनर के लिए करना है, या किसी भी चीज़ के लिए करना है, हम लोग किसी में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नेम चेंज हो गया। अब हम लोग अपनी पहले पिक लगा लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। और फिर अभी यहाँ पे जैसे अपलोड्स में अपनी कोई भी ऐसे फोटो अपलोड कर सकते हो, उस ये ले लिया। अभी तुम्हारी ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर ऐसे ड्रॉप कर देना है, इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर देना है बस। और फिर अभी इसको ऐसे जूम वगैरह करके भी देख सकते हो। अभी प्रोफाइल में तुम्हारा क्या क्या है, कहाँ कहाँ काम किया है, तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनर, वापस से वही चीज़ कर दूँ। और जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ मुझे ऐड करनी है अपने बारे में और अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, तो ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। कौन सी यूनिवर्सिटी गए हो, जहाँ पे भी स्टडीज़ करी है वहाँ का लिख सकते हो। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी डाल देती हूँ, आप लोगों ने जहाँ से पढ़ा होगा वो। कोई भी कॉलेज डाल दे यहाँ पे, कोई भी ईयर डाल दिया, कुछ भी कर सकते हो, जो भी किया है मतलब। अब लैंग्वेज कौन सी है, जैसे सपोज इंग्लिश है, कौन कौन सी आती है। तो अभी जैसे नेटिव है सपोज हिंदी है, या जो भी और जैसे भी लैंग्वेज आती है। अभी जैसे सपोज इसको जो जो लैंग्वेज आती है लिख सकते हैं, ऐसा एडवांस वगैरह करके भी लिखना है तो भी लिख सकते हो, करना ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जगह कम ज़्यादा हो जाए तो उसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। जैसे किसी को एक्सपर्ट है दो लैंग्वेज में, एक कम आती है, तो मॉडरेट करके भी लिख सकते हो। कंप्यूटर स्किल्स है, इंटीरियर डिज़ाइनर में अगर कोई साइट विजिट वगैरह की रहेगी तो वहाँ पर ये लिख सकते हो। कंप्यूटर स्किल्स में भी इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए जैसे सॉफ्टवेयर वाला होता है, तो सॉफ्टवेयर की जो भी नॉलेज रहेगी वो लिख सकते हो। और ये जो दूसरे के जो पैटर्न्स है वो लोग उस हिसाब से भी लिख सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। अगर सपोज जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने कहाँ कहाँ कोलैबोरेशन किया है, वो लोग वो लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो सही है वो लिखना। जैसे किसी को ऑटो कैड आता है, जो इंटीरियर वाले हैं, और जैसे जो आर्किटेक्ट वाले रहेंगे तो वो लोग वो लिख सकते हैं।
मतलब भाई हमने जो जो किया है, जैसे जो इंजीनियर्स हैं वो उनके जैसे सपोज कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो यहाँ पे ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, कैटिया वगैरह लिख सकता है। जो रेविट वाले हैं वो आर रेविट हो गया, जो आर्किटेक्ट वाले हैं वो रेविट वगैरह लिख सकते हैं। तो मतलब जैसे भी जिसको जो आता है वो यहाँ पे लिख सकता है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या क्या है वो लिख सकते हो। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो एक और इसका कॉपी कर सकता है, या फिर जो टेम्पलेट्स जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है उसको ले लो। अब यहाँ पे कहाँ पे गए हो, कौन सी एक्स वाई जी जो भी कंपनी में काम किया है वो लिख सकते हैं कि कैसा है, कितने साल काम किया है, वो सब। और अच्छे से लिखना है तो चैट जीपीटी पे जाके बना सकते हो कि ये टाइप कर दो कि क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस है, तो अच्छे से बता देगा। अगर ये चीज़ जाननी है तो कमेंट कर दो, तो चैट जीपीटी भी कैसे बनाना है वो भी मैं बता दूँगी, ठीक है। और अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट, अपना नंबर डाल दिया, मेल डाल दिया और अपना एड्रेस डाल दिया, एफेक्ट बन गया एक रेज्यूम, ठीक है। और अभी जैसे यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, ये देखो जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो वो कुछ ऐसा ले ले, ये ऐसा ले ले, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले ऐसा कुछ ले लें। तो कई जगह सारी चीज़ें ऐसे डाल सकते हो कि कहाँ कहाँ काम किया है ये ऐसा कुछ। और बहुत लोगों को जैसे अपने वर्क ऐड करने रहेंगे तो वैसा भी कुछ दे सकते हो, ले सकते। अभी जैसे यह कम्युनिकेशन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कितना आता है तो उस हिसाब से भी ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। अगर अभी हम लोगों को कुछ पिक्चर्स ऐड करनी है अपने वर्क में दिखाना है, ये तो बेसिक एक फर्स्ट पेज हो गया। अगर मुझे कुछ ऐसे पिक्चर्स ऐड करनी हो अपने वर्क में, इसको कैसे सेव करना है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। अभी जैसे ये चीज़ है, इसको अभी मुझे इसको हटा देती हूँ मैं। ये अगर सिंगल ही सेव करना है तो यहाँ पे शेयर पे जाओ और डाउनलोड पे जाओ, पीडीएफ है, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया मेरा रिज्यूम, ठीक है। अभी एक और अगर पिक्चर्स वगैरह लेनी है फिर दोनों को ऐड करके दे देना उसमें, क्या पीडीएफ वगैरह में करके, या फिर ऐसा रिज्यूम बड़ा लोगे तो एक ही में सब ऐड करने जाओगे तो थोड़ा सा वो अजीब हो जाएगा। कोई भी साइज का ले लेना, अभी यहाँ पे देखो जैसे ये है, फ्रेम्स ले लिए मैंने, सपोज ये फ्रेम ले लिया यहाँ पे, इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, ये एक ले लिया तो यहाँ पे ये एक ले लिया। अभी सपोज मुझे इसमें पिक्चर्स ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स ले रही हूँ, बट आप लोगों का जो काम रहेगा वो लगाना, तभी काम मिलेगा। जैसे ये मैंने लगा लिया, अगर मुझे इस फ्रेम को थोड़ा बड़ा करना है तो मैं इसे बड़ा भी कर सकती हूँ। ये बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी चेंज कर दो। अगर ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो, तो मैं ऐसे कैनवा रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगी, ये काफी एक्चुअली हेल्पफुल होता है आज के टाइम पे। अभी मुझे इसको जो भी मुझे नेम देना है टेक्स्ट में, गया हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग कुछ भी डाल सकते हो। हेडिंग लिया लिविंग रूम, अगर इंटीरियर है, अगर सॉफ्टवेयर में बनाया है तो जीडीएस मैथ्स एंड इंटीरियर, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। और भी कुछ अगर बॉर्डर वगैरह लगा के सजाना है सजा दो, लुक नाइस। कैनवा का अगर अच्छे से यूज करो तो बहुत
अब जैसे ये प्रो वाला है, ये प्रो वाला अगर नहीं यूज करना तो दूसरा यूज कर लो। ऐसे कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो फिर इसको भी वैसे शेयर कर लो, डाउनलोड पे जाओ, PNG या JPG जो भी चाहिए डाउनलोड कर लो। तो अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो, तो मैं ऐसे कंटेंट और बनाऊंगी, ठीक है। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो, वरना ये मेरे इंस्टाग्राम की ID है, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, वीडियो अच्छा लगा है, लगा है कि कुछ डिफरेंस बन सकता है इस वीडियो से, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, मेरी एक नॉवल है, ये इंस्पिरेशनल है, रोमांस है, K-pop है, ये जो है हर जगह अवेलेबल है, गूगल बुक्स पे भी है और बहुत इजी प्राइसेस में है, हर जगह इसके सैंपल अवेलेबल है। देखो अच्छे लगे तो ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।